दोस्तों कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। तो क्रिकेटर्स, आज हम इस वीडियो में आपको ऐसी दो बैट के अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी बैट खरीदना चाहते हो तो उससे पहले आप ये वीडियो जरूर से पूरा देखना, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कौन सा बैट लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। और हमारे पास ये दो बैट रहे जो बहुत ही अच्छे हैं। दोस्तों, ये थोड़ा इसका कम प्राइस है और इसका थोड़ा ज्यादा प्राइस है, तो आप दोनों बैट का मैं आपको आज रिव्यू करके भी दिखाऊंगा, अनबॉक्सिंग साथ में करूंगा। तो क्रिकेटर्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये बैट अभी नए हैं, जल्दी अभी किसी ने खरीदा है, तो मैं सोचा लाओ इसका अनबॉक्सिंग करके आप लोगों को दिखाऊं। तो ये बैट ऑफलाइन खरीदा गया था, कानपुर से एक दुकान है कानपुर में अमर स्पोर्ट्स करके, तो वहां से खरीदा गया था। तो आप किसी भी स्पोर्ट्स पे इस बैट खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं है कहीं नहीं मिलेगा, बट मैं इसका अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूं। तो चलो, इस बैट को मैं निकाल लेता हूं। देखिए, इसका पैक भी बहुत अच्छा है और आगे देख सकते हैं आप इसका जो है। दोस्तों, यहां पे लिखा है कि फाइंड अस जो है इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर और ट्विटर पर आप इनको फॉलो कर सकते हैं, जिस कंपनी का बैट है, तो वहां से भी आप इस बैट को परचेज कर सकते हो। दोस्तों, ये SAF का एलमेंडस मोमोस बैट है, इसकी कंपनी है ये, आप देख सकते हैं पास से भी थोड़ा। और इस बैट का लकड़ी बहुत ही अच्छा है और स्पाइन भी आप चेक कर सकते हैं, स्पाइन भी बहुत मोटा है, तो अच्छा है स्पाइन भी। और ये हिटिंग के लिए बैट बहुत अच्छा है, तो जब भी आप बैट खरीदो तो इसको सबसे पहले नॉक कर लो, अगर आपको बैट ज्यादा दिन तक चलाना है तो। और बैट तो अच्छा ही आता, सारा चीज टूटता तभी है जब आप नॉक नहीं करते हो बैट को, तो बैट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो उसके बाद आप इसका स्टिकर भी देख सकते हैं कितना प्यारा है, और इसका स्पाइन तो आपने देख ही लिया, प्लस इसका टो देखिए कितना चौड़ा है, तो जल्दी फटने का भी चांस नहीं है। और इसका ग्रिप भी अच्छा है, बाकी ये शॉर्ट हैंडल बैट है, और बाकी पंच वगैरह इसका बहुत तगड़ा है, लकड़ी भी बहुत अच्छी है, और आगे देखिए ये सब का लिखा है ब्लैक कलर का। तो ऑल ओवर मुझे ये बैट बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, इस बैट का प्राइस था 11,000 रुपए, 30% डिस्काउंट पर यह बैट 8,000 का मिल गया है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, ये बैट मैं ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन खरीदा हूं, तो अगर आपको ये बैट चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाके DM कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम की ID है SiddharthCrick, और साथ में मैं आपको वहां से इसका बैट का लिंक दे दूंगा और मैं आपको बता दूंगा कि आपको ये बैट कहां से मिलेगा। और हाँ, ये बैट का क्वालिटी बहुत अच्छा है, तो आप जो है एज ए बिगनर या फिर एज ए प्रोफेशनल आप इस बैट को परचेस कर सकते हो। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी आप नया बैट खरीदो तो उसको नॉकिंग जरूर कर लो, इस पे ऑयलिंग कर लो जरूर से, तभी आप जाके मैच में यूज करना और अपने प्रैक्टिस सेशन में यूज करना, नहीं तो बैट आपका टूट भी सकता है और नया नया बैट बर्बाद भी हो सकता है, तो ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखना है। और अभी तो गर्मी का मौसम आ रहा है, तो आपको जो है थोड़ा सनलाइट से भी अपने बैट को बचाना है, क्योंकि बैट जो है सूख जाता है। तो अब मैं दूसरे बैट का आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। ये बैट जो है JMD का है। दोस्तों, ये बैट बहुत सस्ता है, तो सबसे पहले चलो मैं इसका अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ, इसका प्राइस मैं आपको लास्ट में जरूर बताऊंगा। तो देख सकते हो आप, इसका बैट का लुक बहुत प्यारा है, यहाँ से भी JMD का बैट है, और आगे सामने से भी देख सकते हो। तो ये बैट का स्पाइन आप देख सकते हो कितना प्यारा है, और साथ में टो भी अच्छा है, और आप आगे से देख सकते हो बैट थोड़ा इसका चौड़ाई जो है पतला है, बट ठीक है। और ये कश्मीरी विल्लो है लकड़ी, और ग्रिप भी अच्छा है इसका, ये हैंडल शॉर्ट हैंडल बैट है, इसका लुक पीछे से देख सकते हो, यहाँ पे JMD स्पोर्ट्स करके लिखा है। तो दोस्तों, यह बैट कश्मीरी विलो लकड़ी का है और इसका पंच बहुत तगड़ा है, हालांकि अगर और बैट से कंपेयर किया जाए तो बहुत अच्छा है। और इसका प्राइस मैं आपको बता दूं तो मात्र 2,000 रुपए का है, और थोड़ा अभी इसका दाम बढ़ गया होगा तो 2,500 रुपए हो गया, क्योंकि ये बैट बहुत ज्यादा डिमांड में है। दोस्तों, यह बैट अगर आपको खरीदना है तो आप मुझसे जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आप मुझे DM करो, मैं वहां पे अपना नंबर आपको सेंड कर दूंगा, एंड आपको ये बैट जो है ऑनलाइन मिल जाएगा, आपको कहीं भी डिलीवर हो जाएगा, बहुत अच्छा बैट है। अगर मैं इन दोनों में डिफरेंस आपको बताऊं तो ये जो है इंग्लिश विल्लो का है और ये जो है कश्मीरी विल्लो का है, ऑल ओवर दोनों बैट अच्छा है। आपके पास जिस हिसाब से पैसे उस हिसाब से ही बैट परचेस करो। तो क्रिकेटर्स, आप कमेंट में जरूर बताना कि इन दोनों बैटों में से आपको सबसे अच्छा कौन सा बैट लगा। तो क्रिकेटर्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और साथ में ऐसे ही अनबॉक्सिंग वीडियो देखने के लिए और क्रिकेट टिप्स देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।